एवरीवन, मैं हूं सुष्मिता त्रिपाठी और मैं आप सभी का स्वागत करती हूं वाईफाई स्टडी चेंजिंग द वे ऑफ लर्निंग इंडियाज नंबर वन स्टडी चैनल पार्ट ऑफ एन एकेडमी नाउ। शुरू करते हैं सेशन को, अपने एक्सप्रेस को लेके चलते हैं। बच्चे कम होते जा रहे हैं तो एक्सप्रेस में थोड़ी भीड़ को बढ़ाओ, ये आपकी जिम्मेदारी है, मेरी जिम्मेदारी है। यहाँ पे लेक्चर्स लेना, आपको नए क्वेश्चन देना जो एग्जाम में आपके लिए महत्वपूर्ण है, और आपकी जिम्मेदारी है कुछ लोगों को जोड़ना। तो मैं अपनी जिम्मेदारी पूरी कर रही हूँ, आप लोग भी अपनी जिम्मेदारी पूरी करो, ठीक है। चलो बढ़ते हैं हम लोग सेशन की तरफ। आज हम लोगों का जो सेशन है वो हिस्ट्री के क्वेश्चन पर है। कुछ चोला डायनेस्टी की बातें, कुछ शेरशाह सूरी की बातें होंगी, कुछ हम लोग जो है बढ़ेंगे जिन्ना और नेहरू जी की बातें करेंगे, और कुछ बुक्स की बातें। ये पूरी मिली जुली जो है ना सेशन में हमारे क्वेश्चन है जो हम लोग करने वाले हैं, ठीक है। चलो बढ़ते हैं सेशन की तरफ, और मैं जरा मिस्टर इंडिया बन जाती हूँ। ये हो गई मैं मिस्टर इंडिया। चलो तो सबसे पहला सवाल देखिएगा आप लोग कि बृहदेश्वर, अच्छा ये टाइमर तो लगा ही नहीं हमें। देखो भाई, सबसे पहला सवाल भी आपसे क्या पूछ रहा है कि बृहदेश्वर अदेश्वर टेंपल जो है थंजावुर का, ये किसके रीन में बनाया गया था? परंतक वन, रजराज वन, राजेंद्र वन, राजा धर्जा वन, क्या आंसर होगा इसका सही? देखो सबसे पहले अगर हम लोग बात कर लें किसकी, अगर हम लोग बात करते हैं किस चीज की, बृहदेश्वर टेम्पल या चोला डायनेस्टी की, अगर हम लोग उससे पहले थोड़ा सोच लें कि व्हाट वाज चोला डायनेस्टी। ऑब्वियसली चोला डायनेस्टी के बारे में हम लोगों ने कई बार बात कर रखा है। जो फाउंडर माने गए हैं वो विजयालय माने गए हैं, ठीक है, और चोला डायनेस्टी थी जो कि बहुत ही प्रमुख डायनेस्टीज में से एक रही है तमिल साइड की, ठीक है। अब आपसे पूछा जा रहा है कि किसके रीन में इसको बनाया गया था, तो इसका जो सही आंसर होगा वो क्या होगा? द करेक्ट आंसर इज राजराज वन, ठीक है। तो इसका सही आंसर हो गया आपका बी, राजराजा वन, ठीक है। और बृहदेश्वर टेम्पल की हम लोग बात कर लें तो द्रविडियन स्टाइल टेम्पल, चोला स्टाइल का था, उसका एक एक्सीलेंट पीस माना गया है ये, और कहा जाता है कि इसको राजराजा वन जी के रीन में बनाया गया था। बताया जाता है कि ये सबसे भव्य, बिगेस्ट एंड टॉलेस्ट टेम्पल ऑफ इंडिया कंसिडर किया जाता है। ये कवर कुछ करता है 500x250 एरिया को करता है, और साथ ही साथ में दो आइडल्स होते हैं द्वारपाल के, जो इसकी मेन श्राइन है वहां पे, ठीक है। तो याद रखिएगा, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट चीज है, हो सकता है आपसे कभी पूछ लिया जाए, ओके। खैर चलो, अच्छा आप लोग बताइएगा एरिया कितनी एग्जैक्ट है। ऑप्शन में आपको दे देती हूं, हालांकि ये क्वेश्चन इतना नहीं पूछेगा फिर भी, ठीक है। क्या एरिया इसका सही आंसर होगा आप लोग बताइएगा, ठीक है। चलो आंसर करते चलना सब लोग, अगला क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। अगले क्वेश्चन में आपसे पूछ रहा है कि इन विच रीजन द चोला एम्पायर वॉज एक्सपेंडेड, किस रीजन में चोला एम्पायर एक्सपेंड किया गया था? चलो देखो इसका सही आंसर क्या होगा, आप लोग देख रहे हो, विजयनगर एरिया, मालाबार कोस्ट, हौसला, कोरमंडल कोस्ट एंड सम रीजन ऑफ डेक्कन, ठीक है। तो इसका जो आपका सही आंसर होगा ना, देखो जो टेरिटरीज थी किस चीज की, चोला डायनेस्टी की, वो स्ट्रेच करती थी कुछ साउथ से नॉर्थ तक, अगर आप लोग देखो तो, ठीक है। कुछ बैंक्स थे जैसे कि एक तुंगभद्र रिवर से कृष्ण रिवर तक बताया जाता है। जो बॉर्डर लाइन थी वो इंक्लूड करती थी कोरमंडल कोस्ट और कुछ एरियाज थी डेक्कन की, जैसे उरायूर, कावेरी पट्टिनम, थंजावुर वगैरह वगैरह, ठीक है। तो इसके हिसाब से अगर आप लोग जाते हो ना, सही आंसर क्या हो जाएगा, इसके हिसाब से आपका सही आंसर होगा ए बी सी या डी, क्या आंसर होगा बताइएगा आंसर एवरीवन, क्या सही आंसर है? हाँ जी, द करेक्ट आंसर इज कोरमंडल कोस्ट एंड सम रीजन ऑफ डेक्कन, ठीक है, ये आपका सही आंसर हो जाएगा। अच्छा कोरमंडल, आप लोग इसके बारे में एक एक लाइन और लिखते चलिएगा सभी लोग, किससे ये जो है बाउंडेड है, कौन से प्लेन से जो है बाउंडेड है नॉर्थ की तरफ में, आंसर करते चलना सभी लोग। चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग और अगला क्वेश्चन देखते हैं। चोला का कैपिटल क्या था, द कैपिटल ऑफ चोलास वॉज क्या था? देखो इस ऑप्शन के हिसाब से आपको बताना है, ठीक है, ऐसे तो हम लोग और भी आंसर कर सकते हैं लेकिन इस ऑप्शन के हिसाब से आपको आंसर बताना है। तो इसका जो सही आंसर होगा वो क्या होगा, एक आप लोग देख रहे हो कावेरी पट्टिनम, महाबलीपुरम, कांची, तंजोर। देखो जो गिवन ऑप्शन है ना उसमें अगर आप लोग देखो तो सही आंसर तंजोर होगा। इसके अलावा बाद में जो है ना गंगई कोंडो चोलापुरम जो है वो उसका कैपिटल बनाया गया था चोला का,
ठीक है, और जो कैपिटल था चोला का उरैयपुर में संगम एरा था, ठीक है, संगम एरा के टाइम में था, ठीक है, क्या था, उरैयूर। तो अगर आप लोग देखते जाओगे ना तो ऐसे चेंज होते गए, लेकिन अगर आप लोग इसके एग्जैक्ट आंसर देखोगे कि इसके हिसाब से क्या होना चाहिए, तो द एग्जैक्ट आंसर विल बी डी, दैट इज तंजौर, ठीक है। एंड रिमेम्बर द कैपिटल ऑफ चोला वॉज उरैयूर, कब, संगम एरा के टाइम में। ये भी हो सकता है कभी आपसे घुमा फिरा के ऐसे दे दे, ओके okay? तो ध्यान रखिएगा, ये सारे क्वेश्चंस बनाए जा सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखिएगा, विच ऑफ द फॉलोइंग वॉज स्पेशल फीचर ऑफ चोला एडमिनिस्ट्रेशन, चोला एडमिनिस्ट्रेशन की इसमें से एक स्पेशल फीचर क्या थी, देखो आप लोगों को पता होगा, जैसे अगर हम लोग बात करते हैं चोला डायनेस्टी की, जो सबसे एक अच्छी चीज निकलती है, तो प्राचीन काल में जो ग्राम पंचायत है ना, वो चोला डायनेस्टी की कहीं ना कहीं देना, एक जो इनका स्पेशल फीचर था वो था ऑटोनॉमी विलेज एडमिनिस्ट्रेशन को देना, ये इनकी स्पेशलिटी में से एक था। इसके साथ ही साथ जो एडमिनिस्ट्रेशन था ये बहुत ही सिस्टमेटिक तरीके का था और बहुत ही बेहतरीन तरीके से डेवलप किया हुआ था, ठीक है। और जो ऑटोनॉमस एडमिनिस्ट्रेशन था वो कहीं ना कहीं उसी विलेजेस में थे जनरली जो चोला एरा वाले थे। तो इसके हिसाब से अगर आप लोग जाओगे, डिवीजन ऑफ एम्पायर इनटू मंडलम नहीं, ऑटोनॉमी ऑफ विलेज एडमिनिस्ट्रेशन, यस, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, बी, ठीक है। अच्छा, हमारे वहां पर जैसे आपने देखा है ना आर्टिकल 14 नीति निदेशक हम लोग बात करते हैं, तो इसमें जो ग्राम पंचायत की बात की गई है ये इंस्पायर्ड कहीं ना कहीं चोला डायनेस्टी से ही थी। इसका जो सही आंसर है वो क्या हो गया, ऑटोनॉमी ऑफ विलेज एडमिनिस्ट्रेशन। अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा, हु इंट्रोड्यूस द कॉइन ऑफ सिल्वर, आंसर करिएगा, हु इंट्रोड्यूस द कॉइन ऑफ सिल्वर। ओके, देखो आपके सामने में ऑप्शन है, अकबर, शेरशाह, अलाउद्दीन खिलजी और बख्तियार खिलजी। देखो शेरशाह जो है इन्हें सम्मानित किया जाता है और बताया जाता है कि इन्होंने एक करेंसी सिस्टम को रिफॉर्म किया है हमारे देश में, जो कि सर्कुलेट हुआ था मुगल पीरियड में और साथ ही साथ ब्रिटिश करेंसी का कहीं ना कहीं आधार बना था, ठीक है। आपसे क्वेश्चन में पूछा हुआ था कि कॉइन ऑफ सिल्वर किसने इंट्रोड्यूस किया था, ठीक है, इन्होंने ही प्योर गोल्ड सिल्वर कॉपर कॉइन जो है किया था, और साथ ही साथ में जो मिक्स मेटल था जिसका फिक्स रेट और साइज था उसको अबॉलिश भी किया था, ठीक है। बताया जाता है कि जो इनके सिल्वर रूपी कॉइन था उसका वे 180 ग्रेन हुआ करता था, जिसमें 173 प्योर सिल्वर हुआ करते थे, ठीक है। तो याद रखिएगा ये सारे क्वेश्चन शायद से पूछे जा सकते हैं, ओके। चलो तो इसका सही आंसर हो गया हमारा शेरशाह। अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा, व्हाट वाज द एक्सचेंज रेट ऑफ सिल्वर्स रुपया, सिल्वर रुपया का एक्सचेंज रेट क्या था, ये आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है। देखो एक ऑप्शन में 16:1, 32:1, 48:1, 64:1, ठीक है, ये आपको ऑप्शंस दिए हुए हैं, इसका जो सही आंसर है वो आपको बताना होगा। किसके बारे में आपसे पूछ रहा है, सिल्वर रुपया। एक बार ध्यान रखिएगा, जो करेंसी सिस्टम था मैंने आपको जैसा बताया बहुत ही बेहतरीन तरीके से डेवलप्ड था, और इन्होंने प्योर सिल्वर रुपया भी, रुपी जिसको आप लोग कहते हो, वो डेवलप किया था 180 ग्राम, ठीक है, और कॉपर दाम जो था ना वो 380 ग्रेन्स हुआ करता था। जो एक्सचेंज रेट था वो रेशियो था 40 कॉपर पैसा पर रुपया, ठीक है, और साथ ही साथ में जो रुपी हुआ करते थे ना उस पर इंस्क्राइब किया गया था कॉइन्स पे जो है अरेबिक और देवनागरी स्क्रिप्ट। अगर कभी पूछता है तो इस चीज को आप लोग ध्यान रखिएगा। खैर अभी हम लोग जो देख रहे हैं, पूछा ये भी जा सकता है कितने मिंट्स उस टाइम पर प्रेजेंट थे, तो 23 मिंट्स उस टाइम पर प्रेजेंट हुआ करते थे। मिंट्स क्या होता है ये मैंने कई बार बताया, आंसर करिएगा, ठीक है। और उन्होंने एक जो है कस्टम भी अपनाया था, क्या अडॉप्ट किया था कस्टम को, फेशियल रिकॉर्ड जो है सोल्जर्स का और ब्रांडेड हॉर्स हुआ करते थे इंपीरियल साइन के साथ में, ठीक है। खैर अभी आपसे जो क्वेश्चन पूछ रहा है कि क्या जो है इनका रेशियो हुआ करता था, एक्सचेंज रेट क्या हुआ करता था सिल्वर रुपया का, तो इसके हिसाब से जो सही आंसर होगा दैट इज 64:1 का इनका एक्सचेंज रेट हुआ करता था, ठीक है, यानी एक के बदले में दूसरा बेसिकली, ओके। अगला क्वेश्चन देखिएगा, द प्योर सिल्वर रुपया वॉज इशूड बाई, ये हम लोगों ने तब से पढ़ लिया कि इसका जो सही आंसर होगा वो क्या होगा, द करेक्ट आंसर इज शेरशाह, ओके। चलो अगला क्वेश्चन देखो, शेरशाह सूरी की डेथ जो है वो कहाँ हुई, आगरा, कलिंजा, रोहतास, ससराम, बताइएगा। ओके, देखो
जो इसका सही आंसर होगा, शेरशाह सूरी जो है इनकी मृत्यु जो है 1545 में हुई थी, ठीक है, इस चीज को जरूर आप लोग ध्यान रखिएगा, 1545 में इनकी जो है मृत्यु हुई थी। कब? जब इन्होंने सीज किया था कलिंजर फोर्ट ऑफ राजपूत, ठीक है। इन्होंने बहुत सारे टैक्टिक्स जो है लगा लिए थे, उसके बाद में इन्होंने जो है उसके साइड में गन पाउडर रखा था, ब्लो किया था, उसकी वजह से जो एक्सप्लोजन हुआ था उनके इर्द गिर्द के ही एरिया में गिरी थी, जिसकी वजह से वो खुद भी बहुत ज्यादा जोखिम हो गए थे। एक क्वेश्चन अभी आप लोग देखोगे जहां इन्होंने एक कथन कही थी, वो कहीं ना कहीं उनके उस सिचुएशन से रिलेट कर रहा था। खैर, अभी आपसे जो क्वेश्चन पूछ रहा है वो ये है कि ये कहां पर हुई थी, तो इसका जो सही आंसर है, किसको कैप्चर करने की बात हो रही है, इन्होंने सीज कर रखा था कालिंजार फोर्ट राजस्थान, तो इसका जो सही आंसर है वो है कालिंजार, ठीक है। कब हुई थी? 1545 में हुई थी, रिमेम्बर दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ओके। और अच्छा, सासाराम में क्या था? अभी वैसे आप आगे आप लोग क्वेश्चन देखोगे, लेकिन ये भी बताइएगा सासाराम में क्या था। सही आंसर क्या है? सही आंसर है कालिंजार। अगला क्वेश्चन में पूछ रहा है, सक्सेसर कौन थे शेरशाह के? देखो, शेरशाह सूरी के जो सेकेंड सन थे, जिनका एक्चुअल जो नाम हुआ करता था वो था जलाल खान, ठीक है। और इसके हिसाब से अगर आप लोग देखोगे तो सही आंसर होगा इस्लाम शाह सूरी, 1545 से 1553 तक के, ठीक है। ये सेकेंड रूलर थे सूरी डायनेस्टी की। इसका जो सही आंसर होगा वो क्या होगा? इसका सही आंसर होगा इस्लाम शाह, ठीक है। चलो आगे देखिए हम लोग अगला क्वेश्चन देखिएगा, किस मध्ययुगीन शासक के साथ आप उस कथन को जोड़ेंगे जो मैंने मुट्ठी भर बाजरा के लिए साम्राज्य खो दिया था, ठीक है। जो मैंने अभी बताया था आपको कि मुट्ठी भर बाजरा के लिए साम्राज्य को खो दिया था, इन्होंने बाद में बताया था, कहीं ना कहीं ये जो बता रहे हैं वो बेसिकली क्या बता रहे हैं कि इसे बिना जीते भी चल सकता था इनका काम, लेकिन कह सकते हो आप लोग अपनी प्राइड या ईगो सेटिस्फाई करने के लिए जो है इन्होंने इसके लिए भी आगे बढ़कर कदम उठाए, ठीक है। उसके बाद में आखिर क्या हुआ, कुछ ही दिनों बाद इनकी मृत्यु भी हो गई थी। तो ये कथन किससे कहीं ना कहीं रिलेटेड है इन लोगों में से? ये कथन आपका शेर शाह जी से रिलेटेड है, जिन्होंने ये बात कही थी बाद में, ठीक है। तो करेक्ट आंसर विल बी शेर शाह, जो हम लोग तब से पढ़ते आ रहे हैं फोर्ट्स के बारे में, ठीक है। चलो आगे बढ़े हम लोग, अगला देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, वेयर इज मेसोलियम ऑफ शेरशाह? शेरशाह का मकबरा कहां पर है? देखो, जो इनका टॉम्ब है ना, जो मकबरा है, अगर हम लोग बात करते हैं तो ये जो टॉम्ब है ये सासाराम शाहबाद बिहार में है। इसको बताया जाता है कि ये नोबलेस्ट स्पेसिमेंट है अफगान आर्किटेक्चर इंडिया के, ठीक है। इस चीज को जो है रिगार्ड किया गया है नोबलेस्ट स्पेसिमेंट ऑफ अफगान आर्किटेक्चर इन इंडिया, तो इसका जो सही आंसर होगा वो क्या होगा? सासाराम, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो, Who of the following called Muhammad Ali Jinnah as ambassador of Hindu-Muslim unity? क्या आंसर होगा? Okay, देखो भाई, आपसे क्वेश्चन क्या पूछ रहा था? आपसे पूछ रहा था कि किसे जो है मोहम्मद किसने जो है कॉल बोला था मोहम्मद अली जिन्ना को एज एम्बेसडर ऑफ हिंदू मुस्लिम यूनिटी। तो अगर हम लोग बात करें तो आपको जैसा पता होगा 1907 में सूरत विभाजन हुआ, गरम दल नरम दल अलग हुए थे, फिर 1916 में लखनऊ पैक्ट में कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच में बातें हुई थी और मिलाए गए थे, ठीक है, कांग्रेस को इसमें बेसिकली मिलाया गया था, और साथ लाने में महत्वपूर्ण भूमिका जो निभाए थे वो जिन्ना थे कहीं ना कहीं, ठीक है। खैर, उसके बाद से और भी बातें हुई 1919 में, जब जिन्ना जी जो टेस्टिमनी दे रहे थे अपना सिलेक्ट कमेटी के साथ में, पार्लियामेंट सिलेक्ट कमेटी के साथ में, तो उनसे कहा गया था कि ये आप एक इंडियन नेशनलिस्ट के वर्च्यू से बोल रहे हैं, तो उन्होंने कहा था हाँ ये मैं उसी वर्च्यू से बोल रही हूँ, जिसके बाद में मेजर ऑक्सबर्गी ने बोला था कि क्या आप डिस्क्रिमिनेशन खत्म करना चाहते हैं हिंदू मुस्लिम के बीच में, तो उन्होंने क्या कहा था, हाँ कि मैं सबसे ज्यादा खुशनसीब हूँ जिस दिन ये होगा। खैर, इन सबके बाद में ये सारी कथन को देखते हुए सरोजनी नायडू जी ने उन्हें हेल किया था एज एम्बेसडर ऑफ हिंदू मुस्लिम यूनिटी, तो इसका जो सही आंसर होगा वो क्या होगा? सरोजनी नायडू, ठीक है। चलो आगे बढ़े हम लोग, अगला क्वेश्चन है, जो रिमार्क था कि नेहरू एक देशभक्त है और जिन्ना एक राजनीतिज्ञ है, ये किसके द्वारा दिया गया था?
एम के गांधी, मौलाना आजाद, मोहम्मद इकबाल या खान अब्दुल गफर खान। देखो बेसिकली हम लोग क्यों कहते हैं कि अब जैसे बहुत लोग तो गालियां सुनने लग, जैसे नेहरू जी का नाम आता है गालियां देने लग जाते हैं, जिन्ना को तब भी लोग सही मान लेते हैं, नेहरू जी को गालियां देते हैं। अच्छा ये कथन के पीछे क्या सत्य है, क्यों कहा जाता है? आप लोग सभी लोग हिस्ट्री पढ़े हुए हो बेसिकली, नेहरू जी को एक पेट्रियट क्यों कहा जाता है? आप सभी को पता है जो लाहौर सेशन हुआ था 1929 में, पहली बार वहां पर जो है भारत का झंडा फहराया गया था और पूर्ण स्वराज की मांग की गई थी इन्हीं के द्वारा, ठीक है। उसके अलावा जो इनका लगाव था देश के प्रति, किस तरह से जब हम लोग जो है पराजित हुए थे चीन से, उसके बाद से कैसे इनकी जो है हालत खराब होने लगी थी, क्या दुर्दशा हुई थी, तो कहीं ना कहीं ये सब दर्शाता है इनका जो प्रेम था, लगाव था हमारे देश के प्रति। आपके पास हजार रीजन है गालियां देने के, लेकिन मैं कहूंगी कि गांधी नेहरू को इस तरह से गालियां देके और बुरा नहीं बना सकता है कोई भी, ठीक है। ये बात सिर्फ कांग्रेस की नहीं है, ये उन दो व्यक्तियों की है जिन्होंने बहुत कुछ किया है। मैं मानती हूँ बाकियों ने भी किया, लेकिन कुछ देख कर ही नहीं ये कथन दिया गया था। साथ ही में जिन्ना को पॉलिटिशियन कहा जा रहा, तो उसके भी बहुत सारे रीजन है। जिन्ना का जो एक मकसद बन गया था वो कहीं ना कहीं बाद में था कि अपनी कम्युनिटी को लेके आगे बढ़ना, देश के लिए नहीं, वो कहीं ना कहीं कम्युनिटी को दिखाने लगा था कि इनकी कम्युनिटी को ज्यादा महत्व दो, फिर निर्वाचन क्षेत्र में भी ज्यादा मुस्लिमों की सीट दो, ऐसे बहुत चीजों में जो है मुस्लिम्स को ये आगे रखना चाहते थे, जिसकी वजह से इन्हें पॉलिटिशियन कंसिडर किया गया था। अब ये कथन करने वाले जिन्होंने ये टिप्पणी की थी ये कौन थे, ये आपसे क्वेश्चन भी पूछा है, तो इसका सही आंसर क्या होगा? यस द करेक्ट आंसर इज मोहम्मद इकबाल, ठीक है। मोहम्मद इकबाल ने ये कहा था, ठीक है। चलो आगे बढ़े हम लोग। जो बुक है इंडिया विंस फ्रीडम, ये ऑटोबायोग्राफी किसकी है? द बुक इंडिया विंस फ्रीडम इज एन ऑटोबायोग्राफी ऑफ, किसकी है बताइएगा? आसान सवाल है बिल्कुल भी। हाँ जी, जो इसका सही आंसर होगा वो क्या होगा? चलो अगला क्वेश्चन देख ले हम लोग। अगले क्वेश्चन में पूछ रहा है किसने गीता रहस्य लिखी थी? देखो गीता रहस्य की आपसे बात कर रहा है, तो इसका जो सही आंसर होगा, ठीक है, गीता रहस्य लिखने वाले जो हैं वो लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक थे, उन्होंने गीता रहस्य लिखी थी मंडलाय जेल में, तो द करेक्ट आंसर विल बी बी, दैट इज बाल गंगाधर तिलक। अच्छा एक और भी चीज आप लोग कहीं कहीं सुनते होंगे, श्रीमद् भगवत गीता रहस्य, ये किसके द्वारा लिखी गई थी? तो ये जो है ये लिखी गई थी इन्हीं के द्वारा मराठी में, ठीक है। इसका जो सही आंसर था वो क्या था? बाल गंगाधर तिलक। अगला क्वेश्चन देखिएगा, औरबिंदो घोष ने क्या लिखा था इसमें से? औरबिंदो घोष के द्वारा क्या लिखी गई थी? देखो इसका जो सही आंसर है, ऑप्शंस आपको दिख रहे हैं, एक्सट्रीमिस्ट मूवमेंट, मॉडरेट मूवमेंट, केसरी, लाइफ डिवाइन, तो इसका जो सही आंसर है वो है लाइफ डिवाइन, ठीक है। आप देखो औरबिंदो घोष जो हैं, इनका जो लेटर वंदे मातरम था उन्होंने क्रिटिसाइज किया था बंगाल का विभाजन, ठीक है, उसकी वजह से उन्हें जेल में डाल दिया गया था, जहाँ पे उन्होंने बहुत सारे स्पिरिचुअल टेक्स्ट पढ़े थे, ठीक है। 1910 के बाद से उन्होंने पॉलिटिक्स से रिटायरमेंट ले लिया था और पौंडीचेरी में रहने लगे थे, वहाँ पे बढ़िया फिलोसोफर बनकर आए थे, स्कॉलर, राइटर, और इन्होंने बहुत सारे लेख लिखे जिसमें से कुछ मशहूर है द लाइफ डिवाइन, आइडल ऑफ ह्यूमन यूनिटी, फिर एसेज ऑन द गीता, ये कुछ इंपॉर्टेंट इनके थे जो उभर कर आए थे, ठीक है। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा द लाइफ डिवाइन। अगला क्वेश्चन देखिएगा, किसने जो है रविंद्रनाथ टैगोर जी को ग्रेट सेंटिनल कहा था? बताइएगा आंसर। और बहुत ही आसान सवाल है, बिल्कुल भी टफ नहीं है। ओके ऑप्शंस में आपको दिख रहे हैं बहुत सारे, एक आपको दिख रहे हैं अब्दुल कलाम आजाद, महात्मा गांधी, राजेंद्र प्रसाद और सुभाष चंद्र बोस, और इसका जो सही आंसर होगा वो क्या होगा? द करेक्ट आंसर विल बी महात्मा गांधी, ठीक है। महात्मा गांधी जी ने इन्हें कंसिडर किया था, ठीक है। चलो
तो ये हो गए हमारे महात्मा गांधी जी। अच्छा ये बताइएगा आप सभी लोग कि जो हमारा नेशनल एंथम है इसे किसने कंपोज किया था, नेशनल एंथम को कंपोज किसने किया था और कब किया था, आंसर करिएगा। अगला क्वेश्चन, किसे जो है गुरुदेव कंसीडर किया गया है, इनमें से किसे गुरुदेव कंसीडर किया गया है, कीप आंसरिंग। रविशंकर का नाम ना ले लेना, ठीक है। देखो भाई इसका भी सही आंसर क्या होगा, इसका सही आंसर होगा आपका रविंद्रनाथ टैगोर, ठीक है। चलो ये हमारा आज का एक आखिरी सवाल है कि जो सबसे ज्यादा लर्न रूलर था दिल्ली सल्तनत का, ठीक है, जो तमाम चीजों में माहिर थे, एस्ट्रोनॉमी, मैथमेटिक्स, मेडिसिन, कौन थे ये, इल्तुतमिश, अलाउद्दीन खिलजी, मोहम्मद बिन तुगलक या सिकंदर लोदी। इसका जो सही आंसर होगा वो क्या होगा, इसका सही आंसर होगा आपका मोहम्मद बिन तुगलक, ठीक है। अच्छा अगर एक सवाल आ जाता कि सबसे ज्यादा एजुकेटेड रूलर कौन था, अगर मैं आपसे बोल देती मुगल में, तो आंसर क्या होता बताइएगा, मुगल में सबसे लिटरेट रूलर कौन था, ऑप्शन ले लीजिएगा, बहुत सारे ऑप्शन आपको इधर उधर के मिलेंगे और इसको पहचानना बहुत ही आसान हो जाएगा आपके लिए, ठीक है, आसान है, तुरंत कर सकते हो आप लोग आंसर। ओके आंसर करना सभी लोग जो लोग देख रहे हो। चलो खैर ये हमारा आज का सेशन था, अगर आपको आज का सेशन पसंद आया तो सेशन को लाइक कर देना, शेयर कर देना और चैनल सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत एंड आई लव यू ऑल, थैंक यू सो मच।